started na? it is started okay okay so today we will be doing uh, another topic important topic a short topic i'm sharing the screen is my screen is visible to everyone please reply screen is visible yes ma'am okay, okay so today we will be doing a topic that is handling criticism i think this is in your third module okay important topic it is so we will cover this so we will be doing types of criticism how to deal with criticism how do you respond to criticism and summary सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज क्रिटिसिज्म सबको मालूम है क्रिटिसाइज करना हम लोग जब सोसाइटी में रहते हैं आइदर वी आर इन स्कूल और इन एनी एनी वेयर आइदर इन वी आर इवन इन फैमिली सो हु गेट्स द चांस यूज टू क्रिटिसाइज अदर बिकॉज दिस इज अ ह्यूमन टेंडेंसी

उसको चैलेंज की तरह लेते हैं और वो अच्छाई में बदल लेते हैं बट uh, so कुछ निगेटिव इम्पैक्ट कर लेते हैं अपने बॉडी uh, के साथ अपने माइंड के साथ और उनका मेंटल हेल्थ भी स्टेबल नहीं होता है सो दिस इज वॉट हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट एडवर्स क्वेश्चन हाउ टू हैंडल

रीजन जजमेंट एनालिसिस देते हैं वैल्यू जजमेंट देते हैं कभी कभी पॉजिटिव भी होता है और कभी कभी वो निगेटिव भी होता है सो so, ऑब्जर्वेशन और इंटरप्रिटेशन के आधार पे ये दिया जाता है सो टू एक्सेप्ट क्रिटिसिज्म मैच्योरली वी नीड टू बी एबल टू एक्सेप्ट फीडबैक इन फॉर्म ऑफ एनालिसिस ओके अब आप हम देखते हैं फीडबैक फॉर्म भराते हैं स्टूडेंट्स के लिए टीचर करते हैं और टीचर के लिए स्टूडेंट्स करते हैं अगर आप आपको मैंने कम नंबर दिए हो सकता है आपको बहुत बुरा लगे आप बोलो कि नहीं मैडम ने मुझे कम नंबर दिए मैंने तो बिल्कुल ठीक लिखा था और फिर भी मैडम ने कम ने वो पार्शियल है दिस मैडम को कुछ आता जाता है नहीं फिर भी वो ऐसे मतलब कुछ भी आप बोल सकते हो वैसे ही मैं भी स्टूडेंट के बारे में बोल सकती हूँ कि भाई वो आ, क्लास में तो आता नहीं है और उसके बाद बहस करता है और क्या मतलब वॉट वी आर डूइंग On the basis of certain observation and interpretation and we we are uh, valuing on the basis of value judgment, we are criticizing each other. OK, so this is the human tendency. But how we are. Agar, and if you are doing something uh, critical thing, OK, critical analysis you are doing on my.

अगर uh, कोई गर्लफ्रेंड छोड़ देती है कि ओके okay, तुम uh, तुम बहुत अच्छे नहीं हो तो वो आई बन गया सो क्रिटिसिज्म हैज इन टू अ वेरी कैरियर बून फॉर दैट बॉय सो बट इट है सो what positive criticism in which or constructive criticism in which criticism uh, makes a good personality and uh, resilience has been developed in individuals okay now destructive criticism so destructive criticism is criticism that is either not valid or true or criticism that if valid is delivered in an extremely unhelpful way hamesha uh, kisiko criticized always hamesha usko point out karthi Uh, उससे क्या होता है कि मॉरल डाउन हो सकता है और परफॉर्मेंस uh, और आउटकम जो है वो अफेक्ट हो सकता है तो इट इज ऑफन बी डिजाइन टू एम्बेस और हर्ट मेनली ये फैमिली मेंबर कर सकते हैं जो बड़े हैं या बॉस कर सकता है बिना अगर कुछ झुंझला के रहे या मैं आपको बोल सकती हूँ क्योंकि आई एम आई प्रोफेसर और अगर मुझे कुछ प्रॉब्लम है मैं मेरा मूड ठीक नहीं है तो आई कैन बर्स्ट ऑन योर सेल्फ एंड क्रिटिसाइज ऑन एवरी माइन्यूट टास्क दैट यू आर डूंग ओके सो ये जनरली हमारे सोसाइटी में जो पावरफुल लोग हैं या जो उम्र में बड़े हैं जो क्लोज है रिलेटिव है पेरेंट्स हैं टीचर्स हैं ठीक है, है वो जो साथ में रहते हैं ज्यादा दे होता है। so, constructive versus destructive criticism, बीच में आप अगर, अगर, अगर कंपेयर करें सो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म इनटेंड्स टू एजुकेट अगर मैं बोलू आपकी हैंड राइटिंग मुझे याद है मैं जब छोटी थी तो मेरी हैंडराइटिंग बहुत खराब थी तो मेरे केमिस्ट्री सर थे साइंस के वो बोलते थे स्मिता तो स्मिता का हैंड राइटिंग तो महात्मा गांधी के जैसा हैंड राइटिंग है तो पहले तो मैं समझी नहीं क्यों बोल रहे हैं बट बाद में मैंने जब स्टोरी पढ़ी और आत्मकथा पढ़ी तो मैंने देखा महात्मा गांधी की कि उनकी हैंडराइटिंग बहुत ही ज़्यादा गंदी थी and for that reason he was एंड फॉर दैट रीजन और उन्होंने कहा था कि अगर मैं एक चीज चाहता हूँ तो so uh, कितनी अच्छी बात उन्होंने मुझे महात्मा गांधी से कम्पेयर कर दिया at that time और ये भी बोल दिया कि तुम्हारी हैंड राइटिंग बहुत गंदी है देन I इम्प्रूविंग माई हैंड राइटिंग एंड नाउ आई एम ओके ओके So this is this was the constructive criticism. It intends to educate. It is related to work, to improve your proficiency in your uh, professional work. Okay. And it helps building an idea. It makes the outcome better. You will become a better person, professionally or mainly professionally. And it is intelligent and calculated, means. They, your professor, your parents, or anyone, your boss, or who is criticizing, they are intelligently without feeling you, uh, uh, without making you feel ashamed or down. Uh, they can; uh, their intention is to educate or improve your work, and it comes along to help. It is a kind of help so that you can uh, become a better person. While destructive criticism. आपका फ्रेंड हो या आपका बॉस हो जान बोब करता है यागो को सटिस्फाई करना करने के लिए करता है पर्सनल अटैक टाइप का ये हो जाता है कि हमेशा डाउन करना एंड इट टेयर्स डाउन एन आइडिया अगर आपके पास आइडिया भी है अगर कंस्ट्रक्टिव कुछ काम भी कर रहे हैं तो आप डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म से अफेक्ट हो सकते हैं और आपका प्रो, प्रोफिशियंसी कम हो सकता है इट मेक्स अ पर्सन फील वर्स इनक्लूड्स रेपिड फायर एंड रैंडम रिस्पॉन्स आप गुस्सा हो सकते हैं इम्पल्स में आ सकते हैं और इमोशनली फिजिकली मेंटल एब्यूज सब हो सकता है एंड ए ट्राइज टू टेक ओवर आप बदला लेने के बारे में सोच सकते हैं सो दिस इज अ दिस इज वॉट डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म Now, how do you respond to criticism? How we accept criticism is largely based on our experiences with criticism as a child. Mainly, it is taught in childhood. However, after behavior modification, we can learn in adult stage also. But basically, we from If we do not experience any criticism as a child.

To criticism. हम पहले ही अगर किसी के बारे में ये समझ ले कि नहीं वो तो खराब ही है और वो कुछ भी बोलेगा हमको उसकी बात बुरी ही लगेगी जनरली आजकल हम लोग पेरेंट्स के साथ या प्रोफेसर के साथ करते हैं कि ओके okay, ये ये तो जजमेंटल है मैडम ये तो बस एक की साइड लेती है अगर पहले से मन में बिठा लिया या मम्मी को कुछ समझ में नहीं आता है पापा को कुछ समझ में नहीं आता है, वो बड़े भाई या छोटे भाई या बहन को ज्यादा मानते हैं मुझे कम मानते हैं तो हमेशा टांगते हैं तो दीज टाइप ऑफ निगेटिव थिंकिंग जो होती है जो वो क्या होता है कि हम वैसे क्रिटिसिज्म को बहुत ही पैसिवली रिस्पॉन्स करते हैं सो वी मे जस्ट रन एंड हाइड एंड फील हर्ट एंड कंफ्यूज्ड we may tend to just agree with any criticism whether it is valid or not then we reapproach ourselves for it okay so hum log agree ho koi bhi criticism ke sath wo sahi hai ya nahi hai और उसके बाद फिर हम अपने आप को देखें reapproach अप्रोच करें कि हम मैं जो सोच रहा हूं वो सही है कि नहीं देन ये हमारा पैसिव रिस्पॉन्स होगा नाउ एग्रेसिव रिस्पॉन्स

और आप आपका मन जो है एग्रेसिव है ओके okay, इमोशन emotion, आप इमोशनली हैं तो क्या होगा आप उसको पर्सनल अटैक के रूप में देखेंगे एंड यू विल रिस्पॉन्ड इन अ वेरी एग्रेसिव मैनर सो फीलिंग अटैक वी विल देन बिकम डिफेंसिव एंड मे गो ऑन अटैक अवर सेल्फ तो गुस्सा क्या होता है उससे दूसरे को आ, कोई नुकसान नहीं होता है गुस्से से सिर्फ अपने आप को नुकसान होता है हम करते हैं हमें प्रॉब्लम होती है तो दिस इज व्हाट एग्रेसिव रिस्पोंसेस टू क्रिटिसिज्म नाउ डीलिंग विद कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म क्या होता है एक्सेप्ट द क्रिटिसिज्म ओके ठीक है मैडम अच्छा नहीं पढ़ा रही है ओके आई विल इंप्रूव मायसेल्फ ठीक है नेगेटिव एसरशन निगेटिव इंक्वायरी यूज इट एज अ पॉजिटिव कोई अच्छा या बुरा जो भी बोले टेक इट एज अ पॉजिटिव और कोई निगेटिव भी बोल रहा है तो एक स्टेटमेंट की तरह लो एजर्शन एंड भूल जाओ निगेटिव इंक्वायरी मत करो कि okay, क्यों बोल रहा है कैसे बोल रहा है हमेशा एक्सेप्ट करके और उसको फिर आगे बढ़ना चाहिए ओके okay. सो डीलिंग विद डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कोई आपको बार-बार बोल रहा है कि अच्छा नहीं पढ़ाते हो या आप अच्छा नहीं पढ़ते हो तुम कुछ नहीं हो तुम गधे हो तुम ये हो तुम वो हो ओके नंबर अच्छे नहीं आ रहे हैं तुमसे तो कोई काम हो ही नहीं सकता है अब, अब क्या ये करके फायदा अब तुम्हारा तो इतना टाइम चला गया है यू आर जस्ट वे, वेस्ट कई तरह की चीजें हम अपने लाइफ में सुनते हैं सो आप उससे एग्री मत करो फर्स्ट स्टेप डिसएग्री विद दैट क्रिटिसिज्म डिसम एंडेड टू क्रिटिसाइज बैक आप उसके बदले में मत करो अगर पेरेंट्स कुछ बोल रहे हैं या प्रोफेसर कुछ बोल रहे हैं ओके okay, या कोई और बोल रहा है जो आपके बहुत करीब है तो आप उसको बैक मत कीजिए क्रिटिसाइज करके जस्ट इग्नोर ओके okay. किसी के बोलने से आपकी पर्सनालिटी डिफाइन नहीं होती है आपकी पर्सनालिटी कौन डिफाइन करता है आप खुद करते हैं ओके सो रिस्पॉन्ड टू द वर्ड्स नॉट द टोन ऑफ द क्रिटिसिज्म उसमें भी कुछ अच्छा ढूंढ लीजिए अच्छा ये मुझ में कमी है उसको रिकॉग्नाइज कीजिए और उसके बाद फिर आप उसके ऊपर काम कीजिए सो डोंट रिएक्ट अंटिल यू आर श्योर वॉट इज गोइंग ऑन कभी कभी गुस्से में भी सामने वाला कुछ बोल सकता है आपको क्रिटिसाइज कर सकता है ओके, okay. so, आप उसके दिल पे उससे मत लगाइए और उसके बाद आगे बढ़िए अपने आप को समय दीजिए कि अगर ये सही है तो मैं इसको इम्प्रूव कैसे करूं इज व्हाट डीलिंग विद डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। ओके समरी, वी ऑल गेट क्रिटिसाइज्ड। लर्निंग टू एक्सेप्ट कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म इम्पोर्टेंट स्किल क्रिटिसिज्म कैन बी कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव

उनसे हम जितनी दूरी बनाए रखेंगे जिस टाइम स्टॉपिंग द रिकॉर्डिंग